हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से एक और अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का लोगो दिया है यहाँ पे। फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप मैंने ले रखी जिससे डिलीवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो चलिए फिर इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ मैं आपके सामने। तो ये पैकेज यहाँ से मैंने काटा, इसमें है नोवा का एक ट्रिमर जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका बिल है जो मैंने 359 रुपीज़ में इसको ऑर्डर किया था। आप देख सकते हैं ये प्राइस है, और ये हमारा ट्रिमर है, ये नोवा की NHT 1046 सीरीज़ है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस, मतलब एक ज़्यादा चलने वाला ट्रिमर है ये। इसमें चार कलर्स भी आते हैं, आपको देख रहे हो, ब्लू और वाइट, ब्लैक एंड ऑरेंज। तो ये मैंने ब्लैक में ऑर्डर किया है, काफ़ी अच्छी इसकी जो क्वालिटी है, और बैटरी भी काफ़ी ठीक ठाक चल जाती है प्राइस के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं 8 आवर्स की इसकी चार्जिंग टाइम लेता है और 30 मिनट्स तक ये वर्क करता है। तो ये इसकी डिटेल्स हैं, आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं निकाल कर, और आप देख सकते हैं स्किन फ्रेंडली ट्रिमर इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी ब्लेड जो है काफ़ी अच्छी है, काटती नहीं है एक तरीके से। और बस यही है, इसके नीचे और कुछ नहीं है। तो इसको भी हम अनरैप कर लेते हैं, यहाँ से टेपिंग इसकी हटा लेते हैं। ये बॉक्स ये आपके सामने, ये बॉक्स तो साइड में कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं ये है ब्लैक कलर का हमारा ट्रिमर, और ये तीन इसके कवर्स आते हैं ऊपर, जैसे आपको लेंथ सेटिंग करना है उसके लिए। ये 9 mm का है, ये 6 mm, और ये 3 mm में है। सबसे ज़्यादा अगर आप बियर्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 6 और 3 यूज़ करें, और अगर हेयर कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये 9 mm यूज़ करें। और ये हमारा चार्जर है, ये कोर्ड वाला है, इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये कोड वाला है, ये आप देख सकते हैं ये इसमें फिट हो जाता है, और एक सेल दिया गया है क्योंकि विदाउट सेल तो ये MAH का 1.2 वोल्ट का ये सेल है, आप देखें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक चार्जिंग वाला सेल आप ले लें, उससे काफ़ी ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला है। और ये सफाई के लिए है हमारा कुछ चीज़ें, तो इनको भी हम साइड में करते हैं। अभी ये हमारा ट्रिमर है, इसको पॉलिथीन से बाहर निकालते हैं। तो ये ट्रिमर है हमारा, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दी गई है, और मटेरियल भी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर थोड़े से फिंगरप्रिंट आपके आ सकते हैं, बट आप इजीली इनको क्लीन कर सकते हो। और ये सेल लगाने के लिए दिया गया, तो हम इसमें सेल फिट ही कर देते हैं। अभी ये सेल फिट किया, इसको कवर कर दिया। ये स्विच दिया गया, ये इंडिकेटर दिया गया है चार्जिंग के लिए, और जब चार्ज होता है तो रेड होता है, और चार्ज होने के बाद ये ग्रीन हो जाता है। बाकी इनोवा की ब्रांडिंग दी गई है, प्रोफेशनल ट्रिमर, और इसके जो ब्लेड्स हैं काफ़ी शार्प हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से इनको सेव कर सकते हैं इसे। और इसको अगर धोना है या क्लीन करना है तो आप यहाँ से इसको पीछे की तरफ करें, बाकी अभी ग्रीस वगैरह लगी हुई है अनयूज है इसलिए, और वापस लगाने के लिए इसको ऐसे सेट करें। न्यू है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें ग्रीसिंग वगैरह। तो ये सेट हो गया, ये देखिए आप, ये चालू कर दिया मैंने, इसकी आवाज़ भी ज़्यादा नहीं है और काफ़ी अच्छा है ये। और ब्लेड्स अगर आप लगा के यूज़ करना चाहते हैं तो इस ब्लेड्स को सिर्फ ऐसे फंसा के इसको लॉक करना है, और आप इजीली इनको निकाल भी सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रिमर है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, और एक ट्रिमर मेरे पास ये है लगभग 7 to 8 ईयर्स एगो का, तो बहुत अच्छी सर्विस देता है। तो बस यही था, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी वीडियो में और डालता रहूँगा। थैंक यू।